देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से लोग परेशान हैं। सपा कांग्रेस जैसी पार्टियां भी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में शनिवार को यूपी यूथ कांग्रेस कार्यालय में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में यूथ कांग्रेस ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को बाइक खींचने का काम देने के लिए 6,000 प्रति माह सैलरी देकर काम देने के लिए एक रोजगार मेले का आयोजन किया। इतना ही नहीं, इस रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को बाइक खींचने का अनुभव भी होना चाहिए, ऐसी प्राथमिकता रखी गई थी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार लगातार बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है, जब से बनी है तब से झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है और निरंतर तेल के दाम बढ़ाती जा रही है। आज देश में सस्ते क्रूड ऑयल के बाद भी तेल के आसमान टैक्स और महंगाई को लेकर चरम पे हैं। उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस ने एक कार्यक्रम चलाया है कि जो भी बेरोजगार स्वेच्छा से गाड़ी खींचना चाहते हों उन्हें 6,000 रुपये महीने दिया जाएगा। ये इनका कार्यक्रम निरंतर चलेगा। इनका मानना यह है यूथ कांग्रेस का कि अभी जो महंगाई है और बेरोजगारी है उसके हिसाब से महीने का खर्चा वैसे भी 5-6 हज़ार रुपये तेल के भाव में खर्च हो जाता है, तो उसके बहाने एक रोजगार भी दे रहे हैं जो सरकारें नहीं दे पा रही हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।